ये सारी सृष्टि आसुरी बन गई, आसुरी धर्म सारी दुनिया में फैल गए और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना लोप हो गई। वो लोप हुए धर्म को स्थापन करने के लिए ये आसुरी सृष्टि का विनाश जरूरी है, क्योंकि देव आत्माएं बहुत थोड़ी होती हैं और असुरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सतयुग आदि से ही सोल वर्ल्ड कहो, ब्रह्मलोक कहो, ईश्वरीय लोक कहो, जहां से आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं और चोला धारण करती है, जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। आज में थोड़ी आत्माएं आती है, श्रेष्ठ आत्माएं, मध्य में उनकी संख्या बढ़ती जाती है और कलयुग के अंत में ढेर की ढेर आत्माएं उतरती हैं, नीची कोटि की आत्माएं, और उनके संग के रंग में सतयुग आज से उतरी हुई सोलह कला संपूर्ण आत्माएं वो रंगती चली जाती है। जैसे सोने में अलाय पड़ता है, चांदी का अलाय डाला जाता है, तांबे का अलाय डाला जाता है, लोहे का अलाय डाला जाता है, तो उसकी क्वालिटी घटती जाती है। ऐसे ही उन भारतवासी देवताओं की क्वालिटी घटती जाती है, वो दूसरों के संग के रंग में आते आते कन्वर्ट होते जाते हैं। आज से 2500 साल पहले इब्राहिम आए, ढेर के ढेर भारतवासियों को कन्वर्ट करके अरब देश ले गए। उन इस्लामियों में उनका आज का इतिहास ढूंढा जाए तो पता चलेगा कि आज में वो भाई बहन में शादियां कराते थे, क्योंकि उनकी जनरेशन ही नहीं थी। अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए उनमें ये व्यभिचार फैलता रहा। भारतवासी तो देवताएं थे, देवताएं अब व्यभिचारी होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। सीता की दृष्टि राम में, राम की दृष्टि सीता में डूबती। तो व्यभिचार का नाम निशान नहीं था। जब से ये द्वैतवादी धर्म आए 2500 वर्ष के अंदर, इन्होंने आकर के व्यभिचार फैलाया और उस व्यभिचार की चपेट में सारे ही देवताएं आ गए। मारी शर्म के अपन को देवता कहना ही बंद कर दिया, हिंदू कहलाने लगे। अरे हिंदू कोई हिंदुस्तान के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है क्या? धर्म का नाम तो धर्म पिता के नाम पर पड़ता है, क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, मोहम्मद के द्वारा मुस्लिम धर्म। धर्म पिता के नाम पर होता है धर्म का नाम। हिंदू तो अपने धर्म पिता का नाम ही भूल गए, कन्वर्ट होकर के अपने को हिंदू कह दिया। वास्तव में हिंदू का अर्थ होता है हिं माने हिंसा, दू माने दुईते, जो हिंसा को दूर करने वाले हैं उनको कहा जाता है हिंदू। भारत में अभी हिंसा बढ़ी हुई है या घटी हुई है? हिंसा तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। इस हिंसक दुनिया को अहिंसक कौन बनाएगा? महात्मा बुद्ध आए, अहिंसा का नारा दिया,
मुसलमानों ने आक्रमण किया, बौद्धियों ने हाथ उठा दिए, तो हिंसा बढ़ी या घटी? हिंसा का बोलबाला करने वाले ही अगर अहिंसा का बोलबाला करने वाले ही अगर हिंसक लोगों के अधीन हो जाएंगे तो हिंसा बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ती चली जाएगी। बौद्ध धर्म ही लोप हो गया, बौद्धियों का शासनकाल हिस्ट्री में सबसे कम चला। सारी पृथ्वी पर मुसलमानों का राज्य फैल गया। अभी 200 वर्ष के अंदर क्रिश्चियंस राज्य फैला है, लेकिन ये सब विधर्मी हैं, विपरीत धर्म का आचरण फैलाने वाले हैं। हिंदू सब कन्वर्ट होते रहे, कोई मुसलमान कभी हिंदू नहीं बना, कोई क्रिश्चियन कभी हिंदू नहीं बना, दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते गए। सबसे पुराना धर्म और सबसे कम संख्या रह गई, क्या कारण हुआ? कमजोरी क्यों आई? क्योंकि अपने धर्म पिता को भूल गए। आखिरीन परमपिता परमात्मा स्वयं ही सृष्टि पर आते हैं और ब्रह्मा के द्वारा जो वेदवाणी उच्चारण करते हैं, उस वेदवाणी का मनन चिंतन मंथन करने से जो मानसी सृष्टि पैदा होती है, उस मानसी सृष्टि में चार ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र पैदा होते हैं, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। चारों ही ज्ञानी तू आत्मा, ब्रह्मचर्य का तेज धारण करने वाली, उनमें जो बड़ा पुत्र है वो ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन ये मानसी सृष्टि है, दैहिक सृष्टि नहीं है, इसलिए मानसी सृष्टि का सबसे बड़ा पुत्र सनत कुमार नाम से विख्यात हुआ। वो योगियों का ईश्वर है, योगीश्वर कहा जाता है। वो योगीश्वर कोई दूसरा नहीं है, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव का साकार रूप शंकर है, जिसे भारतीय परंपरा में शिव शंकर मिला के एक कर दिया गया है। वो शंकर याद की ऐसी तीखी स्टेज में रहता है, पहुंचता है, ऐसी याद में, भगवान की याद में लीन होता है कि शिव और शंकर को कोई अलग अलग कर ही नहीं सकता। जो शिव है वही शंकर देखने में आता है, जो शंकर है वही शिव देखने में आता है।